वही कुमार धुवी ओपी क्षेत्र अंतर्गत पिछले एक माह से रविदास टोला के ग्रामीण टोला में हो रहे पत्थरबाजी से आतंक की जिंदगी जीने को मजबूर है। तो पिछले लगभग एक माह से लगातार सुबह से रात किसी भी समय अचानक घरों में पत्थरबाजी होना शुरू हो जाता है, जिससे न सिर्फ घर के छत क्षतिग्रस्त हो जाते हैं बल्कि कई लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि घायलों को ज्यादा चोट नहीं आई है। रविदास टोला के ग्रामीणों का कहना है कि पिछले एक माह से अचानक घरों पर पत्थर गिरने लगते हैं। कहां से कैसे पत्थर आ रहे हैं इसका कोई पता नहीं चल रहा है। पत्थरबाजी के भय से टोला के परिवार के साथ घर में अंदर छिपे रहते हैं। यहां पर बैठा हुआ था, इधर से कोना से 7-8 रात बजता रहा और ऐसे फेंका ना था जो हम चेयर से गिर गया नीचे और पत्थर तो मैंने वहां बचा लिया जान ठो यहाँ आस के लग के नीचे गिरा। तो किसी पर शक है क्या, कौन कर रहा है इस तरह का? कुछ ना है, कुछ कभी उसका साथ कुछ हुआ ही नहीं है, कभी कुछ नहीं हुआ है। आपको साथ कभी लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, जैसे रहता है पहले। इतना छोटा छोटा बच्चा लेके यहाँ पर जंगल था तब से बास किया, आज से नहीं हम लोग खाए। क्या नाम हुआ आपका? कमला देवी। मैं सबसे ज्यादा ढेला गिरा, सबसे ज्यादा शुरुआत हुआ है मेरे घर से। अब आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मेरे घर में छत्ता में चढ़ के देखिए कि कितना ढेला है मेरे घर ऊपर में छत्ता में। कब से हो रहा है? खाना परेशान हो जा रहा है, खाना खा रहे हैं सर, अब ढेला गिर रहा है कहीं पर, मतलब घर में कहीं सब्जी आने जा रहे थे ढेला, मेरा परिवार बोल रहा है कि ढेला गिर गया, समझे सर? मतलब परेशान हो गया, मतलब और क्या बोलेंगे घर में, मतलब जैसे गर्मी के दिन में सर हम लोग अंगना में सोते हैं लेकिन अभी जानते हैं गर्मी लाइन चल जाता है। आप बिजली ऑफिस में पता कर लीजिएगा कि दिन रात भर लाइन नहीं था लेकिन हम लोग घर में सोए मजबूर से, आधे छोटा बच्चा मेरा है। देखिए कब से हो रहा है ये सर? मोटा मोटी हो गया, मतलब 15-20 दिन हो गया। अभी तक चल रहा? हाँ अभी सर चल रहा, अभी तक चल रहा। क्या हुआ है? ये हो रहा आपका जाकर परसों रोज से, हम आए अपने ससुराल से तब से मतलब देख रहे थे, रात में एक बेग पत्थर चला, एक बार मारा पत्थर उसमें तो पूरा पत्थर चकनाचूर हो गया, फिर दूसरा दोबारा मारा तब शीशा फूट गया। मारने के बाद कल फिर मैं लड़किया के ऊपर पत्थर मार दिया, फिर एल्वेस्टर में मार दिया। कौन कर रहा है कुछ पता चल रहा है? कुछ पता नहीं चल रहा है, हम लोग बहुत गार्डिंग भी कर रहे हैं मगर पकड़ा रहा नहीं है। इसमें कोई लोग का इन्फर्मा भी है जो फेक उक रहा है, समझे ना? तो लोग को बचा दे रहा है, मतलब बोल दे रहा है जब आ रहा है हम लोग तब कोई बोल दे रहा है कि आ रहा है तुम अपना छिप जा, वैसे प्रकार से हो रहा है सब गार्डिंग हो रहा है। लोग का भी हम लोग का भी गार्डिंग दे रहे हैं मगर पकड़ा रहा नहीं है, पकड़ाएगा तो पहले तो पब्लिक का मार खा के ही वो ख़त्म हो जाएगा। क्या पूरा बस्ती को पूरा परेशान करके रखा हुआ, उधर मुची टोला में भी पूरा एकदम पत्थरबाजी हुआ है। आज सुबह में फेंक दिया है, एक जन का तो माथा फोड़ दिया उधर दास पड़ा में, उधर जाके क्या हो रहा है हम लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा।